तो आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं नितेंदु ओझा आज इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि मंदिर कैसा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में एक माना जाता है और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है और यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपनी पार्थिव शरीर को छोड़ा था और सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाया गया है और इस मूर्ति में भगवान को पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए दर्शाया गया है और यह मुद्रा महापरिनिर्वाण के लिए सही आसन माना जाता है। आपको बता दें कि इस मूर्ति को एक बड़े पत्थर वाले प्लेटफॉर्म के सपोर्ट से कोनों पर पत्थरों के खंभों पर स्थापित किया गया है और इस प्लेटफॉर्म या फिर आप इसको मंच कह लीजिए, भगवान बुद्ध के एक शिष्य हरिबाला ने 5वीं सदी में एक शिलालेख बनवाया था। मंदिर और विहार दोनों ही एक शिष्य की तरफ से गुरु को दिए जाने वाले उपहार था और इस मंदिर में हर साल पूरी दुनिया से हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री भारी संख्या में आते हैं। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और आपको बता दें कि यह कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के बेटे थे और इनकी शादी यशोधरा से हुई थी, लेकिन एक दिन ये अचानक घर छोड़कर निकल गए और बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। और ऐसा कहा जाता है कि वैशाख माह की पूर्णिमा को सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे, तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पेड़ को उसके बाद में बौद्ध वृक्ष कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह कई हफ्तों तक उसी बौद्ध वृक्ष के नीचे साधना में लगे रहे, फिर बाद में धर्म का उपदेश करने के लिए वहां से निकल गए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जी ने देश विदेश की अलग अलग जगहों पर धर्म का प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने भारत के राजगीर, वैशाली, लोरिया और सारनाथ में निवास किया और बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना अंतिम उपदेश दिया और फिर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था और उनके उपदेश को त्रिपिटकों में संचालित किया गया था। तो आइए जानते हैं कि बौद्ध धर्म के स्तूप कहाँ कहाँ स्थित हैं। आपको बता दें कि स्तूप एक गुंबदकार भवन होता है जो बुद्ध से संबंधित सामग्री या स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता है। बौद्ध धर्म के 8 मुख्य स्तूप हैं जो कि कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अलकल्प, राजग्रह और बेट द्वीप में बने हैं। तो आइए जानते हैं कि बौद्ध धर्म किन देशों में प्रमुख है और किन देशों में इनका प्रभाव है। आपको बता दें कि जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, कोम्बोडिया, हांगकांग, मंगोलिया, तिब्बत, भूटान, मकाऊ, म्यांमार और श्रीलंका का प्रमुख बौद्ध धर्म बौद्ध ही है। और इसके अलावा भारत, नेपाल जैसे अन्य देश भी इसमें आते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है और जल्द ही आपको किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।